आज शिरडी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साईं बाबा की समाधि के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। साईं बाबा मंदिर के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। शिरडी में जुटे लाखों लोगों को करेंगे संबोधित। साईं बाबा समाधि शताब्दी समारोह के मौके पर पीएम चांदी का सिक्का करेंगे जारी। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के विकास कार्यों की भी रखी जाएगी नींव। आज देशभर में मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्यौहार। लाल किला स्थित लवकुश रामलीला में शिरकत करेंगे पीएम और राष्ट्रपति। लाल किला मैदान की रामलीलाओं में शिरकत करने पहुंचेंगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया और राहुल गांधी। उज्जैन के दशहरा मैदान में हुआ 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन। दहन से पहले रावण के सिर में की गई खूबसूरत आतिशबाजी। जूनागढ़ में 10 अवगुणों वाला रावण जलकर खाक। काम, क्रोध, पाप, भ्रष्टाचार जैसे दोषों को जलाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में भी धूमधाम से मना दशहरा। हर धर्म के लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। राजकोट में भाई और बेटे के साथ दहन हुआ रावण। भारी तादाद में जुटे लोग। बनासकांठा के पालनपुर में 61 फुट का रावण जलकर राख। जय श्री राम के नारों से गूंजा माहौल। खेड़ा के नदियाद में धूमधाम से मना दशहरा। 50,000 लोगों की मौजूदगी में 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन। वाराणसी में रिमोट से जलाया गया 75 फीट का रावण। 70 फीट के कुंभकर्ण और 65 फीट के मेघनाथ भी मिनटों में खाक। फतेहाबाद के डीसी और एसपी ने किया रावण दहन। हजारों की तादाद में पहुंचे लोग। लुधियाना में शिक्षकों के एक समूह ने लगाई रावण के पुतले में आग। पंजाब के सभी 18 कैबिनेट मंत्रियों की लगाई तस्वीरें। कानपुर के बाजार में तरह तरह के रावण दिखे। कहीं बाइक पर बैठा दशानन, कहीं 300 से लेकर 20,000 की कीमत का लंकेश। मुंबई में शिवसेना के दशहरा रैली में मोदी के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी के खिलाफ भड़के पार्टी कार्यकर्ता। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर मुद्दे पर पीएम मोदी को दी चुनौती। पूछा, कई देशों में गए मगर मोदी क्यों नहीं गए अयोध्या। उद्धव ठाकरे की खुली चुनौती, सरकार ने ना उठाए कब को लेकर जाकर हम बनाएंगे मंदिर। 25 नवंबर को अयोध्या का दौरा। राम मंदिर पर संघ प्रमुख भागवत की भी सरकार को दो टूक। मोदी सरकार को दिया कानून लाकर मंदिर बनाने का संकेत। संघ प्रमुख के बयान के बाद सुलगी सियासत, तो वैसी बोले आरएसएस और सरकार को अध्यादेश लाने से किसने रोका। संघ प्रमुख के बयान पर बोली कांग्रेस, कोर्ट ही करेगी राम मंदिर का फैसला। संघ परिवार के बागी प्रवीण तोगड़िया ने भी भागवत पर बोला हमला। कहा, चुनाव आए नजदीक तो याद आए राम। भागवत के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आग बबूला। कहा, ध्रुवीकरण के लिए दिया जा रहा बयान। लखनऊ के एक कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद का छलका दर्द। कहा, अब वोट कटने के डर से चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाते हिंदू भाई। गुलाम नबी के बयान को बीजेपी ने बताया हिंदुओं का अपमान। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला उल्टा हमला। शिवसेना का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस के राज में चाय वाला बना पीएम, लेकिन बीजेपी डॉक्टर इंजीनियर्स को कर रही है पकौड़े बेचो। शिवसेना ने राफेल और बोफोर्स की तुलना की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुभाष देसाई ने साधा रिलायंस पर निशाना। पराली जलाने के मुद्दे पर भिड़े सीएम अमरिंदर और पूर्व सीएम सुखबीर बादल। ट्विटर पर पराली मैनेजमेंट फंड को लेकर बहस। दिल्ली के तिलक लेन निवास में रखा जाएगा कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी का पार्थिव शरीर। लखनऊ और नैनीताल में भी दर्शन के लिए रखा जाएगा शरीर। महानवमी के मौके पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी में 95,000 पुलिस वालों की होगी तैनाती। आज गोरखपुर में शोभा यात्रा निकालेंगे यूपी के सीएम आदित्यनाथ। योगी गोरखपीठ के मठाधीश के नाते निकलते हैं यात्रा। योगी कैबिनेट के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी को 4 भागों में बांटने की वकालत की। हर जाति के शख्स को 6 महीने सीएम बनाने का भी रखा सुझाव। धौलपुर में बीजेपी नेता ने वायरल की विवादित पोस्ट। सीएम को दिखाया दुर्गा। कांग्रेस नेता प्रद्युम्न सिंह को दर्शाया सुर। कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी ने सबरीमला पर दिया बयान। कहा, हजारों साल की परंपरा को छेड़ने से हुआ विवाद। बहराइच में मेडिकल कॉलेज के निर्माण स्थल पर पहुंची सांसद सावित्रीबाई फुले। खराब क्वालिटी की ईंट देखकर भड़की।
वेस्ट दिल्ली से आपके लोकसभा प्रभारी बनाए गए राजपाल सोलंकी ने छोड़ा पद, सेहत को बताया कारण। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीएम वसुंधरा के गढ़ में ठोकेंगे ताल, 24 नवंबर को दो दिनों की का दौरा। सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर छिड़ी जंग, तीसरे दिन भी जारी बीजेपी और सीपीएम के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। केरल के सीएम पिनरई ने दलितों और मुसलमानों को बीजेपी कांग्रेस से सावधान रहने को जताया, संघ पर भी बोला हमला। सामने आए सबरीमला मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें, भगवान अयप्पा की प्रदीप पूजा करते दिखे पुजारी। बीजेपी सांसद मोहन राधाकृष्णन ने मी टू कैंपेन को कहा विकृत मानसिकता की उपज, पूछा अगर महिलाओं के खिलाफ बोलने लगे पुरुष तो क्या होगा। 31 अक्टूबर को कोर्ट में बयान दर्ज कराएंगे एमजे अकबर, पीड़ित पत्रकार का भी पक्ष सुनेगी अदालत। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद पर लगे हैरेसमेंट के आरोपों पर सफाई में पेश किए स्क्रीनशॉट, फिल्म डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने लिया पक्ष। सिंटा के कारण बताओ नोटिस कराना, पाटकर ने दिया जवाब, तनुश्री के आरोपों का पुराना स्टैंड कायम। गुरुग्राम में जज के परिवार पर फायरिंग करने वाले आरोपी महिपाल को एसआईटी ने किया कोर्ट में पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली के 5 सितारा होटल में पिस्टल लहराने वाले आशीष पांडे की कार जब्त, पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर से पहले आरोपी ने जारी किया वीडियो। भारतीय जल सीमा में घुसकर पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी एजेंसी ने बरसाई 3 नावों पर गोलियां, एक बोट के अपहरण की भी खबर। शामली में खालिस्तान आतंकी संगठन का 25,000 का इनामी पुलिस ने किया गिरफ्तार, पंजाब के पूर्व सीएम बादल को मारने की रच रहा था साजिश। जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दो लड़कों ने किया था हमला। उन्नाव में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में जलकर मौत, घर के बाहर लगा था ताला और अंदर लगी आग। रेवाड़ी में स्कूल से घर लौट रही 7 साल की मासूम को अगवा कर बनाया हवस का शिकार, आरोपी हुआ गिरफ्तार। बिजनौर में भू माफिया और गांव वालों के बीच संघर्ष में युवक की मौत, नाराज लोगों ने फूकी गाड़ियां, फोर्स तैनात। शोलापुर के तांदुलवाड़ी में महिला सरपंच ने मारा गांव वाले को, जूता शौचालय के लिए ग्राम पंचायत से अनुदान लेने की शिकायत पर नाराजगी। फरीदाबाद में बीजेपी हरियाणा प्रभारी अनिल जैन की भांजी और उसके पति पर केस दर्ज, मृतक ने सुसाइड नोट में लगाया दोनों पर जैन के नाम पर धमकाने का आरोप। दिल्ली के मुंडका में लड़की की लाश मिलने के बाद सनसनी, डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने साधा पुलिस पर निशाना। मथुरा में किसानों और व्यापारियों के बीच मारपीट, धान के रेट को लेकर हुआ था विवाद। उधम सिंह नगर में 33 लाख की नकदी के साथ लाखों के स्मैक बरामद, कार समेत युवक गिरफ्तार। आतंकी धमकी के बाद नजीबाबाद स्टेशन पर अलर्ट, जीआरपी और आरपीएफ ने किया फ्लैग मार्च। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में एसआईटी ने साजिश रचने के आरोपों में एक शख्स को धरा, कल्याणी में मार्केट की जमीन को लेकर हुई थी हत्या। जैसलमेर में पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिकों को किया जाएगा पाकिस्तान रवाना, सीआईडी को नहीं मिला कुछ भी आपत्तिजनक। मानव प्रेम प्रसंग की खबर उड़ने पर गुस्साया साधु, अपने प्राइवेट पार्ट को किया जख्मी, इलाज जारी। गुरुग्राम में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे पर गिरी कार, अचानक लगी आग से शख्स की झुलसकर मौत, दूसरे को निकाला बाहर। उड़ीसा के गजपति में डूबने से मौत के बाद पिता ने ढोई 7 साल की बच्चे की लाश, एम्बुलेंस भी नहीं नसीब हुई। हैदराबाद में अनियंत्रित होकर पलटी कैब, सफर कर रहे 4 लोगों को आई चोटें। रायपुर में ट्रायल के दौरान रावण के पुतले ने पकड़ी आग, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की थी कोशिश। किसान यात्रा में लाठीचार्ज और वादा खिलाफी पर बागपत के लोगों में गुस्सा, गांव के बाहर लगाया बीजेपी नेताओं को प्रवेश न करने की चेतावनी का बोर्ड। अंबाला में रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के चलते पुलिसकर्मियों ने थामे बस के स्टेयरिंग, 15 रूट्स को कैसे उछाला। पीएम मोदी से सबरीमला मामले में मिलने जा रही तृप्ति देसाई को पुणे में पुलिस ने रोका, थाने चलने को कहा। दुर्गा पूजा समारोह से पहले बस्ती में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, एसपी ने शांति सद्भाव की अपील की। करनी सेना के अजीब गरीब मांग, सरकार नहीं बना पा रही राम मंदिर तो भव्य राजमहल का हो निर्माण। संबल के चंदौसी में दिखा दिल दहलाने वाला स्टंट, 50 फीट से भी ऊपर खड़े होकर लगाई शरीर से बंधे 5,000 पटाखों को आग।
झालावाड़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर में धधकते अंगारों पर चले श्रद्धालु, हर साल निभाते हैं परंपरा। दशहरा के मौके पर शिरडी में साईं बाबा मंदिर के पास निकाली गई रथ यात्रा, रथ में रखी गई बाबा की चरण पादुका। सीतामढ़ी में मां शक्ति पूजा समिति ने कराया 15,000 से ज्यादा लोगों को लंगर, 5 सालों से जारी आयोजन। आम लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे रेल मंत्री के 2 सैलून, IRCTC के जरिए की जा सकती है सुविधाओं से लैस सैलून की बुकिंग। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हाथी भाई को किया गया याद, कवि कुमार आजाद की याद में कलाकारों ने किया गरबा। सिद्धार्थनगर में मुस्लिम परिवार ने नवरात्रि में सामूहिक फलाहार का किया आयोजन, हिंदू मुस्लिम एकता की पेशकी मिसाल। फतेहाबाद में विश्व हिंदू परिषद महासचिव सुरेंद्र जैन का विवादित बयान, 20 सालों में बनी मस्जिदों की जांच कराने की मांग। पर्यटकों की सहूलियत के लिए दिल्ली पुलिस ने सड़क पर उतारी 5 नई PCR, कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने दिखाई हरी झंडी। दक्षिण भारत में तबाही मचाने वाले तितली तूफान ने अब तक ली 57 लोगों की जान, 57,000 से ज्यादा घर चढ़े भेंट। 24 अक्टूबर को अमेजॉन फिर से लाएगा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, 90% तक मिलेगा ग्राहकों को डिस्काउंट। जेट एयरवेज में हिस्सेदारी खरीद सकता है टाटा समूह, रिपोर्ट्स में किया गया दावा। एयर इंडिया को सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से दिए 1,000 करोड़, अगले हफ्ते 500 करोड़ रुपए और जुटाएगी एयरलाइंस। 22 अक्टूबर को लॉन्च होगा हीरो मोटोकॉर्प का पहला स्कूटर, 125 cc का होगा हीरो डेस्टिनी। KYC के लिए वैकल्पिक दस्तावेज मुहैया कराने पर टेलीकॉम कंपनियां रिकॉर्ड से हटा देंगी आधार नंबर, COAI ने दी जानकारी। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में दिल्ली रोमांचक मुकाबले में झारखंड को 2 विकेट से हराया, 200 रन का पीछा करते हुए 149 रन पर गिर गए थे दिल्ली के 8 विकेट, पवन नेगी और नवदीप सैनी ने 90 विकेट के लिए जोड़े नाबाद 51 रन। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर हार का खतरा, 538 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 47 रन पर एक खिलाड़ी आउट। टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 400 रन पर घोषित की दूसरी पारी, 99 रन पर आउट हुए बाबर आसफ। डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल जापान की यामागुची को हराया। न्यूयॉर्क में शादी के रणवीर और आलिया भट्ट प्रियंका चोपड़ा से भी मिलने गई आलिया। तैमूर अली खान का वीडियो फिर हुआ वायरल, कैमरामैन के बुलाने पर खिलखिलाहट के साथ दिया जवाब। विद्या बालन ने पेश किया अपना नया लुक, फिल्म में बनी है NTR की पत्नी। ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और पत्नी मेगन पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के बॉडी बीच, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जागरूकता। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रिंस हैरी और मेगन के दीदार के लिए उमड़ी भीड़, हैरी ने एक लड़की को लगाया गले तो ही भावुक। युगांडा में 525 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन, हजारों लोग नील नदी पर बने पुल को देखने उमड़े। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।